हाँ छब्बीस फाइनल जीरो गाड़ी थी उसमें आज अपने इंजन ऑयल चेंज किया ठीक है 3.5 लीटर इंजन ऑयल चेंज किए और एक ऑयल फिल्टर चेंज किए और एक एयर फिल्टर चेंज किए और एसी फिल्टर अपना खराब हो गया था डस्ट मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट था ना कचरा था इसलिए उसको रिप्लेस किए और आज अपने गाड़ी का जनरल चेकअप पूरा हुआ जनरल चेकअप में सामने के सस्पेंशन में अपने नट बोल्ट पूरे टाइट किए लोअर आर्म लीकेज कर्बू शॉकअप वगैरह उसके ऊपर इंसुलेटर वगैरह तो पीछे आते हैं दो शॉकअप और पीछे ट्रेनिंग आपके भूषा आते उसको भी अपने टाइट किए उसके बाद में तुम्हारा गाड़ी का वॉशिंग क्लीनिंग हुआ ठीक है अंदर से वैक्यूम करे और अंदर से पॉलिश वगैरह करे डोरों पे पॉलिश मारे और चारों डोरों की बिल्डिंग में स्प्रे वगैरह करे लुब्रिकेशन ठीक है और ब्रेक पैड चेक किए गाड़ी के ब्रेक पैड जो है 30 से 35 हज़ार किलोमीटर तक चलते हैं मगर अभी अच्छे हैं अपने और अभी एक दो सर्विसिंग तक चलते हैं तो ब्रेक पैड आपने रिप्लेस नहीं किए बस चेक कर लिए उसके बाद में एसी फिल्टर तो रिप्लेस कर लिए उसके बाद में गाड़ी का डोर सेटिंग करवाया चारों डोरों की सेटिंग आती है हथौड़ा मार के ग्रीसिंग करके डोर सेटिंग करते हैं अपने गाड़ी का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था ठीक है सिर्फ एक आपका था काम वो तो अपने इंश्योरेंस में कर लेंगे जैसा कि डोर को एक लंबी लकीर पड़ी हुई राइट तो जब सामने का बम्पर अपना डैमेज होता है तो आप तब मेरे को आके नहीं लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या करना तो गाड़ी का इंश्योरेंस तो है अपना ठीक है तो बम्पर अपन क्लेम कर लिए तो वो तो साइड के डोरों में अपने इंश्योरेंस में क्लेम हो जाते हैं अपन क्लेम फॉर्म में लिख सकते हैं गाड़ी डिवाइडर को लगते हुए घसते हुए ठीक है तो अपने को डोरों उधर के दो डोर और बम्पर वो इंश्योरेंस में मिल जाता है तो वो अपने को उस टाइम में खाली 800-900 रुपये खाली प्रोसेसिंग फीस लगेगी बाकी सर आप लोग को इंश्योरेंस हो जाएगा ठीक है तो गाड़ी अपना जैसा था नया वैसा हो जाएगा अंदर इंश्योरेंस आज सर्विसिंग की अपनी पेड सर्विस गाड़ी का अपना रन नहीं है बहुत कम है ना और आप भगवान मुझे माइलेज का बता रहे थे ठीक है तो मैंने जैसा आपको बताया कि गाड़ी का टाइम पूरा फुल करना है फिर वहाँ से 25 किलोमीटर जाना है फिर 25 किलोमीटर वापस आना है फिर बाद में टाइम फुल करना है फिर से तो फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर आपने ड्राइव किए और 50 किलोमीटर में अपना 3 लीटर डीजल बैठा तो 50 किलोमीटर भागी ले 3 लीटर जो भी इक्वल टू आएगा वो अपना एवरेज रहेगा तो एक बार वैसा करके देखिए उसके बाद भी अगर नहीं आता तो फिर मैं हुंडई की टेक्निकल टीम को बात करके जो उन्होंने मुझे गाइड करेंगे फिर वो हिसाब से अपन काम करेंगे मगर मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम तो नहीं एक बार मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वो फार्मूले से आप एक बार मालूम कर लीजिए और मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए मैं सीनियर एडवाइजर 7887884224 भी है मेरा नंबर आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं रात में भी कर सकते हैं कुछ भी अड़चन हुई तो मुझे फ़ोन करने का मैं तुम्हारा फोन पे आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ अच्छा कभी गाड़ी हमारी हाँ बंद पड़ गई कुछ भी हुआ एनीथिंग है बट तो मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है आप भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं मतलब ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं मुझे कर सकते हैं मैं सजेशन दे देता हूँ ठीक है तो गाड़ी का आपका रन बहुत कम है अगला सर्विसिंग अपना रहेगा आज की डेट से 10,000 रुपये या फिर एक साल अपना अभी आप उन सर्विसिंग क्योंकि अपना 1 ईयर कम्प्लीट हो गया था लास्ट टाइम कुछ 4-5 हज़ार किलोमीटर का सर्विस होता अभी 10,000 टोटल रन हुआ तो रन नहीं अपनी गाड़ी को अब रन होने दो पूरा 10,000 कम्प्लीट हुआ तब लेकर और बीच में जब कुछ चिल्लर मिल्लर काम रहा तो लेकर आओ मैं करके देंगे ठीक है अपना बिल एक मिनट में बोल देता हूँ अपना नाम है संजय मुरली कर रहा हूँ ठीक है अपना बिल हुआ 5,043 ओके कुछ पूछना है कि जरूरी है गेयर का मैं बोल रहा था वो रिवर्स गेयर जो आप बोल रहे थे नहीं सेकंड गेयर सेकंड गेयर आप उन दोनों ट्रैक पे जाते हैं आप चलाना मैं बाजू बैठता हूँ अब अटक ताजा देख लीजिए ओके सेंटर ट्रायल मारेंगे हाँ